नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मेरा नाम है रोशन भुमियार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज से मोहम्मद शमी के बाहर होने के बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा था। मेलबर्न में कल से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला है। मोहम्मद सिराज इससे पहले टीम इंडिया के लिए सिर्फ वनडे और T20 फॉर्मेट में ही खेलते थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों में सिराज के होने से टीम इंडिया की गेंदबाजी को धार मिलेगी। कलाई में चोट के कारण 6 हफ्ते के लिए टीम इंडिया से बाहर हुए मोहम्मद शमी की जगह तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को डेब्यू का मौका मिला है। मेलबर्न में डेब्यू करने जा रहे मोहम्मद सिराज ने टेस्ट सीरीज से पहले खेले गए प्रैक्टिस मैचों में कुल 5 विकेट चटकाए, जिसमें पहले प्रैक्टिस मैच में उनके पारी में 3 विकेट शामिल थे। सिराज ने 38 फर्स्ट क्लास मैचों में 23.44 की औसत से 152 विकेट लिए हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने ही सिराज ने अपने पिता को खोया था। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना प्रोटोकॉल के कारण वह अंतिम समय में भी अपने पिता को देखने के लिए भारत नहीं आ पाए थे। अपने पिता के निधन के बावजूद परिवार से दूर भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई सीरीज की तैयारी में कप्तान विराट कोहली की मजबूत बनने की सलाह ने उनके काफ़ी मदद की। सिराज के पिता मोहम्मद गौस के पिछले हफ्ते फेफड़ों से जुड़ी बीमारी के कारण हैदराबाद में निधन हो गया। वह 53 साल के थे। BCCI ने सिराज को स्वदेश लौटने का विकल्प दिया था, लेकिन इस तेज गेंदबाज ने राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलने का फैसला किया। 26 साल के सिराज ने कहा कि विराट भाई ने कहा है कि मियां तनाव मत लो और मजबूत बनो। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम भारत के लिए खेलो, इसलिए ऐसा करो और तनाव मत लो। बता दें कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाकी बचे 3 मुकाबले से बाहर हो गए। एडिलेड टेस्ट में भारत की दूसरी पारी के दौरान पैट कमिंस की उठती हुई गेंद मोहम्मद शमी की कलाई पर लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। इस तरह से भारतीय पारी 21.2 ओवर में 36 रन के शर्मनाक स्कोर पर समाप्त हो गई थी। दोस्तों, खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्रिकेट और IPL से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।